ओ भाई चेक करो ले। तो बंदे देखो, आप देखो खुद करेंगे। ओ भाई ये देखो लड़े, दे 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 भाई, ये देखो ये चेक करो, गुस्सा देखो इसका भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आज का एक और न्यू वीडियो लेकर आ जाऊंगा भाई सोलो राइड पर। और आज की वीडियो बनाने भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भाई, जैसे कि अपनी गाड़ी भी ठीक हो चुकी है और भाई गाड़ी भी ट्राई कर लेता हूँ। एक और बंदे ने कहा था भाई थोड़ा चला ले इसे, उसके बाद बताइए कैसे रिजल्ट है। और तबियत भी भाई तुम्हारे भाई की ठीक है? ठीक है। और ये चेक करो अपनी बाइक भाई कैसी लग रही है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। उसने काम कराया भाई मैंने, बाकी पिछली वीडियो में देख लेना जो जो काम करा सब मिल जाएगा उसके अंदर। और चलते हैं फिर, करते हैं राइड स्टार्ट। फाइनली गाइस हो चुके भाई अपनी राइड कंटिन्यू, और चलते हैं यार इसका टेस्ट ड्राइव लेने एक बार कैसी चल रही है भाई। वैसे सारा काम हो चुका है अपनी गाड़ी के अंदर, ओके की रिपोर्ट में भाई मस्त हो गई है बिल्कुल। और ये भाई ये जो निशान आ रहा है ना एरो का, इसकी भी बात करी है मैंने, कह रहा भाई टंकी वगैरह खुलेगी, कुछ पार्ट जो है ना इसके अंदर के सफ़ा होंगे और क्लीन वगैरह होंगे और स्कैनिंग वगैरह होगी और जब हटेगा ये। और जैसे कि बता दूँ गाइस यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा, टेढ़ी थी थोड़ी सी तो बंदा कहने लग गया था भाई मतलब स्टॉप भी मारता रहेगा तो सीधी हो जाएगी। मैंने कहा भाई पता नहीं कब तक सीधी होगी वो, तो इससे बढ़िया क्या करता हूँ भाई मैं नहीं दलवा लेता हूँ। तो हैंडल वगैरह भी नया दलवाया तुम्हारे भाई ने, ये चेक मारो। और ब्रेक भी टूट गया भाई, ब्रेक का मतलब ब्रेक की कॉस्ट यार बहुत ज़्यादा हैवी लगी भाई मेरे को 1800 रुपये। भाई बंदे से पूछे ना मैंने, मैं सर्विस सेंटर गया मतलब शोरूम वगैरह गया भाई, पूछा मैंने लीवर कितने का भाई, 1871 तो 1871 रुपये का भाई। मैं देख कर लिया, मैंने कहा यार ये क्या पिक्चर है भाई, 1871 रुपये का, मैंने भाई बहुत ज़्यादा महंगा है। और डिस्प्ले वगैरह सारे काम हो चुके हैं अपनी गाड़ी में, बस थोड़ा सा रैप वगैरह और होगा इस पर। और सोचा है मैंने कुछ यूँ नहीं किया, मैंने कहा सोचा यार एक्स3 किट वगैरह भी जैसे कि पता यार क्रेश हो गई थी, और पैनल वगैरह ये सब कुछ पूरी गाड़ी जैसे कि देखी थी यार तुमने बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, दिखने में ऐसा लग रहा था कुछ नहीं गया गाड़ी का। और जिस टाइम पर गाड़ी खुली ना भाई मेरे को पता क्या क्या हुआ है इसमें, तो उसी रीज़न से भाई मैंने सोचा यार गाड़ी सेल वगैरह कर देता हूँ भाई। मेरा दिल नहीं मतलब अच्छी नहीं लग रही थी भाई चलाने में, वो फीलिंग नहीं आ रही जो पहले आ रही थी, तो मैंने सोचा भाई बाइक वगैरह सेल कर देता हूँ। पापा से भी बोला मैंने, पापा कहते हाँ भाई बेच दे दोनों ही बेच दे पापा कहते दोनों ही बेच दे। फिर मैंने सोचा यार नहीं क्यों ना डीगी करा लूँ इसे भाई, थोड़ा बढ़िया हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। और पर अपना कोई नहीं यार, अपनी कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक तो सही है भाई ब्लैक रैप हुआ हुआ है ना इस पर, तो थोड़ा बहुत इस रीज़न से भाई दिखी नहीं ज़्यादा लगती हुई, वरना गाड़ी की भाई बहुत गंदी कंडीशन हो चुकी थी। बाकी बढ़िया चल रही है भाई, बंदे ने कहा था मेरे से ट्राई मारी है, मैंने कहा चलो भाई एक व्लॉग भी शूट कर लूँगा। बाकी करानी बहुत जल्दी थी मेरे को इसे, भाई बंदे कह रहे थे मेरे को सर्विस सेंटर में डाल दे भाई, क्लैम्प पास करवा ले, ये करवा ले वो करवा ले। मैंने कहा भाई तुम्हें जैसे कि पता गाइस भाई क्लैम्प पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना बाहर से करा ली जाए फटाफट। और अब इसकी सर्विस भी करानी है मेरे को, सर्विस वगैरह ही रह गई है गाइस और कुछ नहीं रह गया इसका। जैसी सर्विस हो जाएगी ना इसकी भाई बड़ी प्यारी चलेगी। खैर अभी तो हैंडल में भी थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा है, वो फ़र्क मैं भी बता दूँ यार मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है बाइक चलाते हुए, पीछे जैसे पीठ पर करंट जम रहा है ना, तो उसी रीज़न से भाई मेरा पीठ मतलब जैसी उछल रही है ना हल्की फुल्की तो उस पर जलन सी मच रही है। चलो भाई बहुत बातें हो गई, थोड़ा तेज़ चलते हैं देखते हैं इसे भगा के भी, बाकी मज़ा तो पूरा ही आ रहा है भाई इसे भगाते में। और रैप वगैरह भी सोच रहा हूँ भाई मैं चेंज कर दूँ, लेकिन बंदे भर भी कहेंगे भाई अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, और तुम्हारे सामने की बात है गाइस एक मंथ भी नहीं हुआ मेरे को इसका रैप वगैरह करवाए हुए, तो इस रीज़न से मैं करवा भी नहीं रहा। मैंने घर कुछ टाइम करके फिर करवाते हैं, चलो खेसते हैं थोड़ी। बाकी गाड़ी चल मस्त रही है, और ब्रेकिंग का भी भाई प्रेशर वगैरह नहीं बन रहा था, और मेरा ब्रेक वगैरह भी सब टूट ही गया वो भाई, क्या बताऊं भाई कमाया कुछ नहीं गवा बहुत कुछ दिया मैंने मोटर व्लॉगिंग जब से चालू करी है, बहुत ज़्यादा गवा दिया भाई बहुत ज़्यादा भाई। अभी दो दो बाइक ली, एक पहले RC ली फिर ये ली फिर वो ली भाई, इसी रीज़न से ना यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है मेरा। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ भाई इसे ही चलाता रहूँ और RC भी अपनी सर्विस वगैरह करवा के रख लूँ भाई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा काम आती है। फाइनली गाइस निकल चुके हैं भाई अपने मुकाम पे, फिलहाल तो भाई कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे पता है भाई मैं कैसे बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ भाई, पीछे बहुत ज़्यादा वेट है और बहुत ज़्यादा सामान रखा है।
प्लस लीशा भी आ गई थी, मैंने कहा चल कोई नहीं इसे भी उठा लेते भाई हाथों हाथ। तो कहाँ जा रहे हैं वो तो भाई थंबनेल देखकर, और भाई थंबनेल देखकर समझ गए होगे। तो मेरे साथ है लीशा, चलते हैं यार फटाफट केले डालने बंदरों को, केले खिलाने मतलब। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं भाई बंदरों के पास, चेक करो इसे ये चेक करो भाई वा। चल भाई उतर जा, यहाँ रख लियो आगे। तो गाइस खिलाते हैं भाई ने केले वगैरह, कमर में दर्द हो गया मेरे तो। ये चेक करना भाई, अब चेक करो हेलमेट तो उतार दे। ये चेक करो भाई कैसे आ रहे हैं, कम है यार यहाँ पे, अभी नहीं और आएंगे। दे 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 ले ले, इनका तो पेट भर रहा है। अरे भाई सदी दूसरा ला, भाई डर लग रहा है मेरे को तो। चलो भाई, भाई देख रहे हो कैसे लटके पड़े, देख रहा हूँ कौन ले भाई ले। भाई डर रहे तो, ओ भाई मुंह देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। चलो भाई आगे चलते, इन्हें भी दे दो, दो बजे बैठ खड़े ले से दे दिया, घूर रहा वो तो ले। ओ भाई चेक करो ले, ओ भाई घूर रहा है तो। चलो गाइस आगे चलते हैं, भी बहुत सारे भी तो भाई, अब तो घूर रहा था बड़ा गंदा तरीके से भाई। मैंने कहा भाई अश्मीर इसका मूड ऑफ है, मुंह देखा था भाई कैसे कर रहे थे, ये देखो यहाँ बैठे हुए। पर बंदों ने यार ये मतलब रास्ता ना ये खोद दिया ना, इस वजह से इसी रीजन से आ नहीं पा रहे। देखो देख रहे गाइस यहाँ रख ले नीचे। ये चेक करो भाई, दे दे जल्दी जल्दी तोड़ के दे दे इसे, दे दे ऊपर बैठा दे रहे। ये चेक करो भाई, तो बंदे देखो आप देखो खुद करेंगे। ओ भाई ये देखो लड़ दे 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 दे, ये छीन रहे हैं ना इस वजह से मेरे ख्याल से। भाई भगा दिया यार इनने तो, मालिक आ गया सबको भगा दिया है मालिक ने। ओ भाई इच्छा हो गया, लाई दल लिया
एक ही से दे दे गाड़ी ले। भाई डरा क्यों रहा है यार, ले क्या पिक्चर है तेरी, ले ले देखो कितने देखो इसे पैरों में ले, कितने भी लेते देखो लेता रहे इसे दो इसे ले। और है उसमें उसे डाल दे लदियो लदियो ये पड़ेगा 3-4 इसके आगे। अरे वो तो उसने जमा कर लिए ना 4। अच्छा चलो चलो भाई बाय बाय टाटा टाटा। एक ये तोरा ले तो भाई निकलते हैं यहाँ से फटाफट और करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई आज का लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा लव यू ऑल। इन्हें टाटा मतलब टाटा बोलता हूँ, बाय बाय और देखना रिएक्शन इनके। बाय 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 चेक करो बाय बाय। ये देखो ये चेक करो गुस्सा देखो इसका भाई। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से।